मानवी ट्रांसफर करेगा नेहा को उसके बाद के टर्न के लिए। चलो ऑल द बेस्ट मानवीर। अब हम माइक अपना ऑफ कर रहे हैं, अब तुम अपना माइक ऑन करके स्टार्ट कर सकते हो और बाकी लोगों को हम ज्वाइन कराते रहेंगे जैसे जैसे लोग आएंगे। ओके मैम, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। स्क्रीन तुम अपने में देखो, नीचे आ रहा होगा प्रेजेंट नाउ पे जाओ और पूरी स्क्रीन प्रेजेंट कर दो, योर एंटायर स्क्रीन। लैपटॉप से कर रहे हो ना या डेस्कटॉप से? मैम लैपटॉप से ही कर रहा हूँ। तो साइड में देखो प्रेजेंट नाउ लिख के आ रहा है, यस मैम। उस पे क्लिक करो, मेन्यू आएगा, मैम हो गया। उसमें एक ऑप्शन है योर एंटायर स्क्रीन। हाँ हो गया। ओके गुड। चलो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। ये हम लोग की लिस्ट है। इस लिस्ट को हमने ऐसे फॉर्म ये किया है और ये आउटपुट हमारा जनरेट हो गया है। लिस्ट क्या होती है, एक बार लिस्ट भी एक्सप्लेन कर दो पहले, और डेटा फ्रेम भी। डेटा फ्रेम क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, क्योंकि यही सारी चीजें हम लोग यूज करने जा रहे हैं। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि कुछ गड़बड़ होगा, तुम नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हो, एक लिस्ट बना लो जल्दी से, है ना। मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट सबको क्लियर रहे और तुम प्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हें भी बता रहे हैं। फर्स्ट वी टेक अवर पांडास एस पी डी बिकॉज वो इट्स हेल्प इन जनरेट आउटपुट। और माई लिस्ट इज 10, 20, 30, 40 एंड वी यूज डेटा फ्रेम ब्रैकेट द माई लिस्ट। बोलो। मैम इतना अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ मैं। अरे बिल्कुल समझाओगे, हम लोग सुन रहे हैं। एक्सप्लेन तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आराम से एनाकोंडा तुमने खोला हुआ है ना, तुम जो हो यस मैम। हाँ एक तुम अपनी तुम खोलो, प्रॉम्प्ट पे आओ जल्दी से, लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट क्या होती है, लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। तो जल्दी से, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जितना बताया वो अच्छा बताया तुमने ठीक मैम। और समझ भी आ रहा है। देखिए ये हमारी लिस्ट है, माय लिस्ट के अंदर हमने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है छोटी सी। इसको फिर हमने माय डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट
माई लिस्ट से हम लोग उसको दिखा रहे कि ये हमारी लिस्ट, हमको यहाँ से माई लिस्ट से लेनी है जो हमने इक्वल टू करके ये बनाई है, और फिर हम ये माई डी एफ से इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो ये हमारा ये आउटपुट है। वेरी गुड। ये हमने एक और लिस्ट, नई लिस्ट बनाई है, ये हमारी फ्रेंड है, फ्रेंड इक्वल टू, हमने ये इसमें की है एंड वैल्यू है, की हमारी है जैसे कि श्याम राम अनिल, ये हमारी कीज वैल्यू है, और ये हमारी वैल्यू है उनके, जैसे सीए डॉक्टर टीचर, ये हमारी वैल्यूज हैं, और फिर हम इनको प्रेजेंट कराएंगे माई फ्रेम इक्वल टू पी डॉट डेटा फ्रेम, और हम इनकी हेडिंग रखेंगे नेम एंड ऑक्यूपेशन। तो वो हम जैसे हमने ये फ्रेंड की लिस्ट हमने ये बनाई एक छोटी सी, तो हमने इसको प्रेजेंट कराया फ्रेंड से, और उसके हम जो कॉलम है उनको हम प्रेजेंट कराएंगे, जैसे कॉलम इक्वल टू नेम कॉमा ऑक्यूपेशन, तो ये उनकी वो हेडिंग बन जाएगी, कॉलम की हेडिंग, और फिर ये हमको प्रिंट माई फ्रेम से हम इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, हमारा आउटपुट आएगा। बिल्कुल ठीक। ये जो है लिस्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट है, एक्चुअल में एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स है। हाँ, तो उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज द नेम एंड सेकेंड इज डेजिग्नेशन या ऑक्यूपेशन, तो इसीलिए वहां पे कॉलम की हेडिंग दे दी गई है कॉलम्स को यूज करके। वेरी गुड। तो दैट मीन्स हम लिस्ट सिंगल लिस्ट से भी बना सकते हैं और लिस्ट ऑफ लिस्ट से भी डेटा फ्रेम बना सकते हैं। नेक्स्ट। ये है हमारी एंड दी एरे लिस्ट, और ये भी हमारी लिस्ट से ही हमने बनाई है डिक्शनरी की, और जैसे कि हमने डेटा इक्वल टू कि हमने नेम, हमने पहले से ही कॉलम की हेडिंग डिसाइड कर दी कि वो नेम है, और इसमें ऑक्यूपेशन हमने उसकी पहले से ही डेस्क को डिसाइड कर दी है, इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा। लेकिन ये क्या थी, ये की वैल्यू पेयर है तो ये डिक्शनरी हो गई है ना। तो डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर है, यहाँ पे की फर्स्ट की जो है वो नेम है, और उसकी वैल्यूज में एक लिस्ट है जिसमें की वैल्यू लिखी हुई है, तीन नाम लिखे हैं श्याम राम और अनिल, और दूसरा की वैल्यू पेयर है ऑक्यूपेशन का। तो सेम जो इससे पहले हमने लिस्ट नेस्टेड लिस्ट से बनाया था वही हम डिक्शनरी को भी यूज करके बना सकते हैं, और डिक्शनरी में जो की है वो कॉलम हेडिंग बन जाएगी और उसकी जो वैल्यूज है वो उसकी एक एक रो बन जाएंगी। ये भी ठीक है। वेरी गुड। ये हमने बनाई है फ्रॉम डिस्टनी ऑफ लिस्ट से सीरीज से, ये हमारी डेटा इक्वल टू नेम एस वन, डिक्शनरी थी ये ना। यस मैम, डिक्शनरी से हमने बनाई है। मैं ऊपर से प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, तुम ऊपर से प्रेजेंट करो, कोई नहीं, हाँ सही है। ये हमने पहले हमने कि अपनी एक वो लिस्ट बनाई है जैसे कि एस वन इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, ये हमने उसका वो लिस्ट पूरी बना ली है, फिर हमने इसको एस वन से पी आउटपुट उसका जनरेट हो गया है। तो सीरीज बन गई है अभी। हाँ, ये हमारी एक सीरीज बन गई है, और गुड। फिर ये हमने दूसरी एक ऐसी लिस्ट बनाई जो सेम टू सेम, बस हमने वो इसकी वैल्यूज चेंज कर दी, वो चेंज कर दिया, और ये भी हमारी ये बन गई है, इसका भी आउटपुट जनरेट, ये भी एक सीरीज बन गई है। फिर हमने इसको कंबाइन मतलब कर दिया है, जैसे ये डेट इक्वल डाटा इक्वल टू नेम, हमने उसको हेडिंग दे दिया है इसको, जो मतलब यहाँ पे बनी आई थी हमने एस टू की जो बनाई थी हेड उसकी, उसको नेम हमने हेडिंग दे दी है एस वन को, और जो एस टू था हमने उसको हेडिंग दे दी है एज, और ये हमने फिर इसको
df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम इक्वल से डेटा सिर्फ इसका हमने आउटपुट ये जनरेट किया है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई नेम और एज जो हमने यहाँ पे डिसाइड करी थी, s1 इक्वल टू नेम और s2 इक्वल टू एज, s2 हमारी ये थी तो ये हमारे इसके ऊपर हेडिंग बन गई है एज और ये हमारा आउटपुट है। दैट मींस ये जो अभी मानवीर ने बताया ये डेटा फ्रेम है यूजिंग सीरीज मल्टीपल सीरीज। तो पहले दो सीरीज बना ली है S1 और S2, S1 सीरीज जो है उसमें मल्टीपल नेम्स है और S2 सीरीज में एज है और फिर S1 और S2 को कंबाइन करके एक डिक्शनरी बना ली है और उस डिक्शनरी की हेल्प से हमने फिर डेटा फ्रेम बना लिया है। वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल था। और सेम वही चीज फिर डायरेक्ट भी की है। बोलो एक्सप्लेन करो मनवीर। यस मैम। अब इसको एक्सप्लेन करो जो 27 पे कमांड लिखी है तुम्हारी। यस मैम। ये हमारी डेटा फ्रेम की एक और एक बनाई है, इसमें हमारी वो कीज है एंड वैल्यू है, ये हमारी ये डिक्शनरी है पूरी, ये डेटा टू जो हमें आ रही है कि पूरी डिक्शनरी है, ये है इसकी कीज, ये जो नेम हमने लिखा है और ये इसकी वैल्यूज है, ये रेड में जो अमन रमन और मोहन, और ये भी एज की है और ये इसके 17 और ये 19 और 18 ये भी इसकी वैल्यूज है। ये हमने डायरेक्ट कर दिया है जो हमने पहले S1 और S2 से हमने इक्वल टू करके यहाँ पर लिख रहे थे, उनकी हेडिंग डिसाइड कर रहे थे, वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। जो हमने S1 की वैल्यू थी वो हमने यहाँ से ली है, S1 इक्वल टू पी डॉट सीरीज अमन रमन और मोहन, वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी है। नेम इक्वल टू नेम पी डॉट सीरीज अमन रमन और मोहन, और फिर हमने उनका आउटपुट जनरेट करा है तो वो भी एग्जैक्ट सेम ही आ रहा है। और बस मैं सीएसवी फाइल शो करूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो इजी है, ये सबको आता है और इसमें हाँ लिस्ट के थ्रू भी कवर कर लिया मानवीर ने, डिक्शनरी के थ्रू भी कवर कर लिया, डिक्शनरी विद सीरीज भी कवर कर लिया है और एक डिक्शनरी विद लिस्ट भी कवर कर लिया है, मतलब जिसमें जो डेटा है वो लिस्ट है वो भी कवर कर लिया है। मैंने पहले एक एक्सेल में फाइल बनाई थी, वो मैं आपको शो करता हूँ। ये मैंने एक्सेल में पहले एक फाइल बनाई थी और ये मैंने उसका सीरियल नंबर नेम क्लास और रोल नंबर ब्लड टाइप्स ये मैंने पूरा उसका सबसेट किया था। तो अब मुझको ये पाइथन में रन करानी थी फाइल, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ से गया सेव करी पहले, सेव एज कर दो तो दिखा पाओगे कि कैसे सेव किया। यस मैम। फाइल में है सेव एज ऑप्शन मनवीर? वो हैंग हो गया है। ओके अच्छा चलो कोई नहीं, तुम डायरेक्ट फाइल यूज कर लो फिर थोड़ी देर में दिखा देना। ये मैं फाइल की लोकेशन डाल लूं जो हमने फाइल पहले से सेव करके रखी है,
तो वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा कि मैंने कैसे सेव करी है। तो मैंने अभी हम बाकी लोगों से पूछ रहे हैं, जब तक मनवीर लिख रहा है, मनवीर ने यहाँ पे डबल स्लैश लगाए हैं, सी कोलन डबल स्लैश यूजर्स डबल स्लैश लेनेवो, ये डबल स्लैश क्यों लगाए? क्या सिंगल स्लैश से काम नहीं चलेगा? देवांश बताओ। मैम चल जाएगा। चल जाएगा, पर मनवीर जो है डबल स्लैश लगा रहा है, कोई तो रीजन होगा। कोई और? तुम लोगों ने पढ़ा होगा पाइथन में एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं ना, मतलब कीबोर्ड की कीज जो किसी और पर्पस के लिए भी यूज हो रही है, उनको अगर हमें यूज करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्लैश और वो की लिखते हैं। जैसे हमें एंटर की यूज करनी हो तो हम स्लैश एन लिखते हैं, स्लैश एन का मतलब है एंटर की। टैब की यूज करनी है तो स्लैश टी लिखते हैं। अब क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंसेस में हम स्लैश लगा ही रहे हैं, तो स्लैश के बाद हम जब भी कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं तो वो उसको मान लेता है कि वो कोई ना कोई एस्केप सीक्वेंस है। इस वजह से यहाँ पे अब हमें खुद स्लैश को ही प्रिंट करना है तो हमें हमेशा डबल स्लैश लगाना पड़ता है वहां पे, इसीलिए डबल स्लैश लगाया उसने कि वो उसको एस्केप सीक्वेंस ना समझ के वो ये समझे कि ये जो स्लैश लगा है उसके बाद जो भी कैरेक्टर है उसको एज इट इज यूज करना है, ये कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है। ये सीएसवी फाइल का एड्रेस ठीक है? हाँ मैंने ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ उसी को। जहां पे सेव किए वहां राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाओ, और यहाँ हाँ एसडी की राइट, एसडी पे राइट क्लिक करो फाइल के नेम पे। उस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो उसका एड्रेस दिखाएगा। उसका तो पाथ कॉपी कर लो ना, पाथ हाँ कॉपी। हाँ हाँ वही कह मैम, वो रहा। हैंग हो रहा है मैम, पता नहीं क्यों चल यही। हाँ नहीं ठीक है, तुम अपना टाइम लो, क्योंकि एड्रेस सही होगा तभी सीएसबी चलेगी। यस मैम। तुम लोग डेस्कटॉप पे इतने फोल्डर सेव करके रखते हो ना, ये भी प्रॉब्लम होती है। डेस्कटॉप पे जितना ज्यादा चीजें होंगी वो सिस्टम को स्लो करती है, क्योंकि वो सारी फिर डिस्प्ले होनी होती है ना, तो सारी रैम में आती है। तो डेस्कटॉप खाली रखा करो और इसको किसी ड्राइव में रखा करो। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, हाँ ये आ रहा है पाथ, यूजर्स लिखा है, तुम यूजर लिख रहे थे वहां पे। इसे तो भाई कॉपी कर ले। अब इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो पहले, और फाइल का नेम वही रहने दो, न्यू फोल्डर तक पेस्ट कर लो। अब डबल कोट्स वगैरह लगा लो। सी कोलन के पहले भी डबल कोट्स नहीं लगे हैं। वेरी गुड, बन गई। तो ये मैंने वो एक्सेल में जो मैंने फाइल बनाई थी वो मेरी अब इसमें शो हो रही है इस कमांड के थ्रू। ये मैंने ये लिखी है, पहले मैंने ये लिखा था pd.read csv फाइल, तो ये रीड मैंने इसलिए लिखा है कि वो csv फाइल को रीड कर ले, और ये मैंने लोकेशन डाल दी कि जहाँ से उसको फाइल देखनी है कि वो फाइल है कहाँ पे, और डबल कोट मैंने इसलिए यूज करें कि वो
ये मेरी फाइल की पुराना लोकेशन है। डबल स्लैश क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो स्लैश है, स्लैश जो कैरेक्टर है वो एंटर की और टैब की इन सब के साथ फिक्स है वो, तो जब हमें उसको खुद यूज करना उस कैरेक्टर को, तो उसे भी हमें स्लैश के साथ ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लैश क्योंकि हमें यूज करना है पाथ दिखाने के लिए, इसलिए अगर हम अभी एक स्लैश हटा दो तो वो कहेगा स्लैश यू इज नॉट अ वैलिड एस्केप सीक्वेंस, या जो भी कैरेक्टर आ रहा है जस्ट स्लैश के बाद, तो वो उस कैरेक्टर को स्लैश के साथ लेने लगेगा। इस वजह से हमें स्लैश ही चाहिए वहां पे, इसलिए स्लैश यूज कर रहे हैं। एस्केप सीक्वेंसेस तुम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़े होंगे जब पाइथन पढ़नी शुरू की होगी। मैं सेव करके बता दूं कि मैंने कैसे सेव करी, कहां सेव करी। हां बिल्कुल, जैसे मैंने ये सेव यहां किया क्लिक और फिर यहां मैंने यस कर दिया। लेकिन फाइल टाइप नहीं पता चल पाया लोगों को इससे, सेव एज। अच्छा ठीक है, ये मैंने एसडी नाम से मैंने फाइल अपनी वो रखी है। लोकेशन हम डिसाइड कर सकते थे, लोकेशन में पहले से सेट है, डेस्कटॉप न्यू फोल्डर पे। तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा ये सीएसबी कॉमा टेलीमिनेटेड है, इसको मैं क्लिक कर लूंगा तो वो सीएसबी फाइल में सेव करेगा। सीएसबी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। हाँ, तो ये जो फाइल है इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो कॉमा से सेपरेट होके आती हैं, और इस तरह की फाइल को इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में भी और भी किसी डेटा बेस में अगर करना हो तो। हाँ ठीक है, वो पहले से सेव है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है मनवीर से इस टॉपिक में? यस, किसी को कोई कंफ्यूजन डेटा फ्रेम क्रिएट करने में यूजिंग लिस्ट, यूजिंग डिक्शनरी, यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, और एक और रह गया था, एक और टॉपिक था इसमें नेस्टेड डिक्शनरी वाला, जिसमें हम पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे फिर उस डिक्शनरी से फिर से एक डिक्शनरी बनाएंगे। मैं बता दीजिए, ये तुम लोग बताओगे? तुम लोग को जो पढ़ने आए उनको भी तो पढ़ के आना था। मनवीर बताएगा मैम ये चीज? नहीं, क्यों, मनवीर ने नहीं अगर पढ़ा है तो तुम लोग भी बता सकते, ऐसा थोड़ी ना है, कोई भी बता सकते हैं। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनानी है, कैसे बनाएंगे? अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये सब लोग पढ़ेंगे अपने आप, और ये उस प्रेजेंटेशन में भी था शायद कि एक डिक्शनरी बनी थी, वो क्वार्टर वन का सेल्स इतना, क्वार्टर टू का सेल्स इतना, ऐसे करके, और फिर ईयर वाइज उसको किया था। नेक्स्ट डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाने वाला। हाँ तो चलो, ये होमवर्क है तुम लोग के लिए। अब नेहा का चांस है, डिक्शनरी ऑलमोस्ट सबको बनानी आ गई है, बस नेस्टेड डिक्शनरी अगर है, मतलब डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी एक तरह से कह सकते हो, तो उससे कैसे बनेगा ये तुम सबको करके देखना है। नेहा? यस मैम। ओके, नाउ इट्स योर चांस, प्रेजेंट करना स्टार्ट करो अपना। So good morning, my name is Neha Singh of class 12C and my today's topic is iterating over a data frame. So what is iterating over a data frame? Sometimes you need to process all the data values of a data frame. In such a case, writing separate statements for assigning everything individual values will make the process. Thus, for such a thing, you need to iterate over a data frame. There are two types of data frames, which are data frame dot iter role and data frame dot iter item. The method of data frame dot iter role views a data frame in the form of horizontal subset row wise, and the data frame dot iter item views a data frame in the form of vertical subset called column wise. So here we are.
माय डिक्शनरी एंड कि जो हमने प्रिंट किया है मतलब थिएटर आइटम्स जो कि थिएटर आइटम्स जो मतलब कॉलम वाइज में आते हैं तो इसमें कॉलम वाइज में इसमें वैल्यूज आई हैं तो वर्टिकल सब्जेक्ट में आई है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम इंडेक्स और सीरीज में वेयर जो सीरीज कंटेन करती है रो वैल्यू को कॉलम इंडेक्स में तो ये आउटपुट आया मेरा एंड जब हम इटर रोज में करते हैं तब इसमें जो मेरी वैल्यू आई है जब मैंने इटर रो से किया है तो ये रो वाइज में आई है और जो डेटा फ्रेम है वो वर्टिकल सब्जेक्ट में है मतलब कॉलम वाइज में जो है सॉरी मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल सब्जेक्ट में है और रो वाइज में है तो इसमें जो भी वैल्यू है रोज की वो मतलब कि जीरो से हम लोग नहीं कुछ भी जो वैल्यू होती है हम जीरो से नहीं लिखते हैं इसमें जो वैल्यू होती है वो हमेशा या वन से होती है या तो फिर या वन या टू से भी जीरो से नहीं होती है हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में हेटेरोज में और जो इटर आइटम्स है वो वर्टिकल के फॉर्म में जीरो से क्यों नहीं होती हेटेरोज में फर्स्ट रो इंडेक्स तो जीरो ही हुआ एक बार चेक करो इसमें जीरो होगा वो एक्चुअल में नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट शिफ्ट हो गया तुम्हारा एक्चुअल में वो जहां से स्टार्ट करता है ना देखो वहीं से प्रिंट शुरू कर देता है तो जीरो ऊपर लिखा होगा एक बार कर देखो फिर से तुम अपने मोबाइल में क्लियर चेक करो आउटपुट इटर रोज का और इटर आइटम्स में तो कॉलम हेडिंग है तो पहले उसने कलर वाला कॉलम लिया होगा यस मैम है ना पहला कॉलम है कलर वाला फिर उसके बाद दूसरा उसने कॉलम लिया है और रोज के केस में देखो तो जीरो आई थिंक फर्स्ट रो में ऊपर ही आ गया है जीरो आया है इंडेक्स फर्स्ट रो तो जीरो ही है ना जहां पे डेटा फ्रेम ऊपर है देखो वहां पे जीरो रो है इंडेक्स है रो इंडेक्स जीरो स्क्रॉल करो आप इधर कलर लिखा है और कोड दिखाओ एक मिनट हाँ कोड पे आओ कोड है तुम्हारा कलर ठीक है चलो कलर तुम्हारा और तुमने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया है चेंज कर दिया तुमने इंडेक्स एक्चुअल में तुमने इंडेक्स दिया है एप्पल एप्पल पियर पियर और लाइम इसलिए वहां पे रो इंडेक्स जो है तुम्हारा चेंज हो गया है रो लेबल आ रहा है जो तुमने डिफाइन किया है इंडेक्स में लेकिन अगर देखा जाए इनको तो एप्पल जो है वो जीरो ही इंडेक्स पे मतलब फर्स्ट से आ रहा है ना फर्स्ट रो से ही स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट रो का मतलब है जीरो इंडेक्स सेकेंड रो का मतलब है वन इंडेक्स वो सारा है अब एक मिनट तुम एक काम करो एमडीएफ में ये जो तुमने इंडेक्स दिए एप्पल एप्पल पियर पियर और टाइम ये हटा दो इंडेक्स सिर्फ डी रखो जहां पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया है लाइन नंबर थ्री मैम जाओ
हाँ इसी लाइन में, हाँ इंडेक्स जो डिफाइन किया वो हटा दो। बस ब्रैकेट में डी रहने देना, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट नीचे है उसको हटा दो। अब आप प्रिंट करो एक बार, प्रिंट मतलब एग्जीक्यूट करो। हाँ है ना, जीरो आ रहा है। एक्चुअल में जीरो इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट रो तुम्हारी जो भी पहले फर्स्ट रो, अगर हमने इटर रोज किया है तो इटर का मतलब सबको पता है, कोई बताएगा इटर का मतलब क्या होता है, इटरेट का मतलब क्या होता है या इटरेशन का मतलब क्या होता है? आकाश रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस। जब शुरू शुरू में प्रोग्रामिंग स्टार्ट की होगी तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रोग्राम में स्टेटमेंट होते हैं उनका कंट्रोल तीन तरह से फ्लो करता है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन। सीक्वेंस का मतलब है जैसे प्रोग्राम लिखा है लाइन बाय लाइन उसी तरह से एग्जीक्यूट होता जाएगा, उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, हम कोई भी लाइन स्किप नहीं करेंगे। तो वो जैसे लिखा है लाइन नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे एग्जीक्यूट होगा, तो ये सीक्वेंस है। दूसरा था सिलेक्शन। सिलेक्शन के केस में हम एक कंडीशन लिखेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस केस में एग्जीक्यूशन होगा और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में हमारा